हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आशिकृति। तो आज इस वक्त हम पहुंच चुके हैं ऊपर सुरकंडा देवी टेंपल, और यहां से देखिए खूबसूरत नज़ारा। सुरकंडा देवी टेंपल उत्तराखंड के राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में कनातल विलेज में स्थित है। यह धनौल्टी से 8 किलोमीटर की दूरी पर है और इसकी ऊंचाई लगभग 2700। सुरकंडा देवी टेंपल उत्तराखंड के राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में कनातल विलेज में स्थित है। यह धनौल्टी से 8 किलोमीटर की दूरी पर है और ऊंचाई इसकी लगभग 2756 मीटर की है। ढाई किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है, और दोस्तों अब रोपे की वजह से लोगों को बहुत राहत मिलेगी, खासकर उन्हें जो पैदल ज़्यादा चल नहीं सकते थे। यह मंदिर पूरे साल खुला रहता है, भक्त लोग कभी भी आकर मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ मई जून में भीड़ रहती है, क्योंकि यहाँ गंगा दशहरा जो त्यौहार है काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कहते हैं भगवान विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के 51 भागों में विभाजित किया, इसलिए जहाँ जहाँ माता सती के छोटे छोटे अंग गिरे वह शक्तिपीठ कहलाए। इस स्थान पर माता सती का सिर गिरा, इसलिए यह स्थान सुरकंडा कहलाया। इसकी जानकारी मुझे भी नहीं थी, पर मैंने अभी पंडित जी से पूछा था तो उन्होंने मुझे ये थोड़ी बहुत कहानी बताई। यहाँ पे देवी काली का मंदिर भी है, और ये सुरकंडा देवी मंदिर अक्सर कोहरे से ढका रहता है, और यहाँ का मौसम ऊपर ठंडा रहता है, हवाएं हमेशा यहाँ चलती रहती हैं। अगर आप धनौल्टी से आएंगे तो ये 6.5 किलोमीटर की दूरी पर है, और अगर आप चंबा से आएंगे तो ये 22 किलोमीटर की दूरी पर है। कई दिनों के इंतज़ार के बाद यह रोपवे तैयार किया गया, जिसमें 16 डिब्बे हैं और एक डिब्बे में 6 लोग ही बैठ सकते हैं। तो हम लोग भी रोपवे से ही आए हैं, क्योंकि चढ़ाई इसकी बहुत खड़ी है और मम्मी पापा साथ में, तो बहुत मुश्किल था कि हम पैदल चलते। और हम 5 मिनट में नीचे से, कम से कम 5-6 मिनट में हम पहुँच चुके, ऊपर पहुँच गए। तो 51 सिद्धपीठों में यह सुरकंडा देवी मंदिर भी है, जो यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर बहुत ही खूबसूरत जगह पर बसा हुआ है। यहाँ से आप देखेंगे तो देहरादून ऋषिकेश शहरों की खूबसूरती भी देखी जा सकती है। सुरकंडा देवी मंदिर देखिए ऊपर पूरा कोहरे से ढका रहता है, और जनवरी फरवरी में तो यहाँ बर्फ भी पड़ती है। यहाँ से देखिए कितना सुंदर नज़ारा, मंदिर में चढ़ के तो ऐसा लग रहा था बस यहीं पे रह जाएं। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और ऊपर देखिए कितना सुंदर मंदिर, इतना सुंदर है, बहुत सुंदर। ये देखिए कितनी खूबसूरती से बनाया गया ऊपर, और यहाँ पे आप देखिए व्यू इतने सुंदर सुंदर हैं। सामने बर्फ की पहाड़ियाँ आपको नज़र आएंगी, हिमालय पर्वत यहाँ से दिखाई देगा। इस वक्त आराम से माता के दर्शन हो गए थे, ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी।
बहुत सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं यहाँ से। देखिए पहाड़ बिल्कुल ढके हुए हैं, ऐसा लगता है जैसे बहुत ही सुंदर। और यहाँ से विंटर लाइन भी जब शाम होने लगती है तो साफ दिखाई देती है। ये देखिए ऊपर पूरे कोहरे से ढके हुए पहाड़। और दिसंबर जनवरी फरवरी में तो यहाँ बहुत बर्फ़ पड़ती है, सब कुछ आपको दिखाई नहीं देगा, पूरा ढका हुआ होता है बर्फ़ से। वो देखिए सामने वो दिखाई दे रहा होगा, उन पहाड़ों में भी बर्फ़ जमी है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है हम पहाड़ों से ऊपर आ चुके हैं। आंखें ही नहीं हटती इस व्यू को देखने से। और मंदिर की बनावट भी बहुत सुंदर है, ऊपर देख के सारी थकान खत्म हो जाती है। तो आप देखिए यहाँ के खूबसूरत नज़ारे, पूरे पहाड़ बादलों से ढके हुए हैं। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। अगर आपको एक खूबसूरत नज़ारे देखने हैं, नेचुरल नेचर देखना है, नेचुरल व्यू देखना है, तो आप यहाँ मंदिर ज़रूर आएं, भगवान के दर्शन भी करें और यहाँ ब्यूटीफुल व्यू भी देखें। ये देखिए ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ये खूबसूरत नज़ारों के बीच में ये बहुत ही सुंदर मंदिर। यहाँ देखिए ऊपर कितना सुंदर खुली जगह पे बना है और सामने बर्फ़ की पहाड़ियाँ। लोग पूरे नज़ारों में फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और पूरा इसका व्यू देखकर आनंद ले रहे हैं। पापा मम्मी भी फ़ोटोग्राफ खिंचवा रहे हैं। कई जगह पे तो देखिए देवदार के वृक्ष भी आपको दिखाई देंगे, तो पहाड़ों में ज़्यादातर देवदार के वृक्ष बहुत नज़र आते हैं। पापा मम्मी और मैंने भी बहुत फ़ोटोग्राफ खिंचवाई मंदिर के पास। इसकी बनावट बहुत ही सुंदर है मंदिर की। यहाँ पे हनुमान जी की, शिव जी का, काली माता का मंदिर। ऊपर बहुत सुंदर धूप और धीरे ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी देर तक हम मंदिर के चारों तरफ घूमते रहे, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। ये देखिए वो देखो आसमान की तस्वीर है उधर आपके राइट साइड में। और इस वक्त शाम के 4:30 बज रहे हैं। फोटो भी लो साइड। ये देखिए बहुत सुंदर नजारा। मंदिर में जो रोपवे है, हम रोपवे से आए थे तो उसका टाइमिंग 5 बजे तक का है, तो अभी हम फटाफट इसकी परिक्रमा करके, मंदिर की परिक्रमा करके फिर हम निकलेंगे। लेकिन ऊपर से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन जाना ही पड़ेगा क्योंकि मंदिर फिर 5:30-6 बजे तक बंद हो जाते हैं। ये देखिए ऊपर पीछे देखिए कितनी बर्फ़ जमी है, जितना ऊपर आप चलेंगे उतना ही बर्फ़ आपको दिखाई देगी। बद्रीनाथ केदारनाथ में तो इस वक्त बर्फ़ पड़ चुकी है। तो इस तरह से हम लोगों के मंदिर के दर्शन भी हो गए
और यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको यहाँ के व्यूज़ जो मैंने आपको दिखाए आपको पसंद आए होंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको मंदिर में माता देवी के दर्शन करा दूं। यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है पर मैंने थोड़ा सा वीडियो ले लिया। दे दिया। जय माता दी।